सभी देश प्रदेश व क्षेत्र वासियों को नववर्ष 2021 की ढेरों शुभकामनाएं। नववर्ष पर स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। नगर को स्वच्छ रखने हेतु जनता से अपील। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के दृष्टिगत नगर को पुनः सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त करने हेतु नगरवासियों का सहयोग अपेक्षित है। नगरवासियों से अपील है कि घरों में दो डस्टबिन, एक नीला व दूसरा हरे रंग का डस्टबिन रखें। हरे डस्टबिन में गीला कूड़ा जैसे कि फल एवं सब्जी के छिलके, बचा खाना, चाय पत्ती, मांस, अंडे के छिलके, पेड़ पौधे के पत्ते आदि रखें। नीले डस्टबिन में सूखा कूड़ा जैसे कि प्लास्टिक का सामान, रबर, पेपर, लोहा, पॉलिथीन, कपड़ा, दवा या पानी की बोतल, गत्ता आदि रखें। नगरपालिका परिषद के रिक्शा व टाटा ऐसे आने पर डस्टबिन कर्मचारियों को दें। व्यवसायिक क्षेत्रों में 5:30 बजे के उपरांत नगरपालिका का वाहन आने पर कूड़ा संबंधित कर्मचारी को दें। पॉलिथीन का प्रयोग न करें। घर से कपड़े व जूट का थैला, कैरी बैग आदि लेकर ही सामान खरीदने निकलें। जन समस्या के शीघ्र निस्तारण हेतु मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छ महुआ ऐप डाउनलोड करें। स्वच्छता से संबंधित शिकायतें फोटो के साथ ऐप के माध्यम से नगरपालिका परिषद को भेजें। घर के गीले कूड़े यानी फल एवं सब्जी के छिलके, बचा खाना, चाय पत्ती, अंडे के छिलके, पेड़ पौधे के पत्ते आदि से होम कंपोस्टिंग अर्थात घरों में खाद तैयार कर गमलों आदि में प्रयोग करें। जल संरक्षण हेतु घरों व व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाएं। सड़क किनारे लगाए जा रहे डस्टबिन का प्रयोग कर व नगर को साफ रखने में सहयोग प्रदान करें। निवेदक श्रीमती बब्बू परवीन, अध्यक्ष नगरपालिका परिषद सिकंदराबाद। विनोद कुमार, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद सिकंदराबाद। राजेंद्र सिंह, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक नगरपालिका परिषद सिकंदराबाद एवं समस्त सभासदगण नगरपालिका परिषद सिकंदराबाद। नए साल का आगाज भयंकर ठंड और गहरे कोहरे से हुआ है। आने जाने वालों के लिए ये कोहरा और ठंड परेशानी बनकर आई है। दोपहिया चालक वाले लोग ठंड के कारण वाहनों को रोककर जगह जगह आग से शरीर को गर्म करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी ठंड पहले कभी नहीं देखी। NH91 उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गहरा कोहरा वाहन चालकों और आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनकर सामने आ रहा है। हम दिल्ली से आ रहे हैं अभी और बहुत ठंड बहुत जोर के बढ़ रही है अभी फिलहाल। अभी चलना मुश्किल हो रहा है कोहरे के कारण, कुछ दिख नहीं रहा रास्ते में, तो काफ़ी रुकावटें आ रही हैं अभी। लंबा सफ़र है तो तय करना मुश्किल हो रहा है अभी। अब आका सहारा ही लेंगे तभी पहुँच पाएंगे, बिना उसके तो पहुँचना मुश्किल है। जैसे जैसे आगे आग मिलती रहेगी वैसे वैसे आगे पहुँचते रहेंगे धीरे। मैं बाइक से आ रही हूँ दिल्ली से और मुझे अलीगढ़ जाना है और सुबह 6 बजे चली हुई हूँ। आज अभी इस टाइम में 12 बज चुके हैं और अभी तक अलीगढ़ पहुँचना पॉसिबल नहीं हो पाया इस ठंड की वजह से। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस जगह जहाँ पे लकड़ी वगैरह का सहारा ले लेके आ रहे हैं, आग जला रहे हैं, हाथ ताप रहे हैं, फिर चलते हैं थोड़ी बहुत देर दूर, फिर यही करते हैं, आग जलाते हैं, हाथ तापते हैं, फिर निकलते हैं। जी नंबर का आज पहला दिन है और इतनी ठंड हो रही है। आदरी से आ रहे हैं, बहुत ठंड पड़ रही है कड़ाके की और अपने धीरे धीरे चल रहे हैं तापते हुए, उसके सहारा लेके और धीरे धीरे चल रहे हैं। कहीं भी 10 किलोमीटर आगे अपने आग जला लेते, अलीगढ़ जाना है तो अपने धीरे धीरे तापते हुए आग का सहारा लेके जा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया चालकों के लिए है जिनको अपने गंतव्य पर पहुंचना है और भीषण सर्दी और कोहरे के कारण उनका सफर 1 घंटे का सफर 6 घंटे के बराबर हो रहा है। ऊपर से कड़ाके की सर्दी जो उनको इस सफर में आगे बढ़ाने से रोक रही है, वहीं गहन कोहरे के कारण भी वाहन स्वामी व चालकों को 5 मीटर की दूरी का भी साफ दिख नहीं रहा है। ऐसे कई वाहन चालकों से हमारी NH51 पर खुर्जा के आसपास बातें हुई तो उनका कहना था कि सड़क किनारे सूखी घास, फूस, लकड़ी आदि एकत्रित कर आग लगा रहे हैं और अपने को ठंड से बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
इन लोगों का कहना है कि यदि आग लगाकर शरीर को गर्म नहीं किया तो उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। ऐसे कुछ सफर करने वाली यात्रियों से, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए इकबाल सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। सभी देश, प्रदेश व क्षेत्रवासियों को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पप्पू राणा, भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 21, जिला पंचायत सदस्य सिकंदराबाद, बुलंदशहर, यूपी। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।